जबलपुर शहर में सावन मेले में महिलाओं ने हुनर से अपने रोजगार का भी संदेश दिया। जी हां, अवसर था शक्ति क्लब द्वारा आयोजित स्ट्रीट स्टाइल और सावन राखी मेले का, जहां पर स्टॉल्स में महिलाओं ने लजीज व्यंजनों के साथ प्राकृतिक खाद्य पदार्थ, इमिटेशन ज्वेलरी और रेडीमेड गारमेंट्स का एक से बढ़कर एक स्टॉल लगाया था। इस सावन मेले में जहां पर स्टॉल्स लोगों को लुभा रहे थे, तो वहीं पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैंट विधायक अशोक रोहाणी और उनकी धर्मपत्नी मनीषा रोहाणी ने की। शक्ति क्लब द्वारा जबलपुर शहर के विभिन्न महिला क्लबों को एक साथ एक मंच पर जहां प्रतिभा निखारने का मौका प्रदान किया गया, तो वहीं एक प्रकार से सावन मेले में एक साथ एक ही छत के नीचे खरीदारी करने का सुअवसर भी प्रदान किया गया। राखी सावन मेला एक दिवसीय मेले का आयोजन किया है, जिसमें हमने उन महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया है जो अपने घरों से छोटे लेवल पे जो काम करते हैं, हैंडक्राफ्ट के आइटम, बेकरी आइटम्स, फूड आइटम्स, पैक फूड आइटम्स, अचार, पापड़, बड़ी, इस तरह के, और ड्रेसेस के जो सेलिंग का जो अपना बिजनेस करती हैं, उन सबको हम यहाँ पर लाए हैं एक छत के नीचे, शॉल्स लगवाए हैं। और हमारा उद्देश्य है हम पूरे शहर का क्राउड यहाँ पे लाएं, उन लोगों से उनका इंटरेक्शन कराएं, उनके बिजनेस को, जिससे आगे और एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, बढ़ावा मिले। सबसे अच्छी बात ये लगी है कि जो घर में छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, घर में काम करते हैं, उनको बहुत अच्छा उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं, एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। एंड सिर्फ एग्जीबिशन नहीं, छोटे छोटे बच्चों का डांस भी रखा है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ रखी हैं, जो कि बहुत अच्छे से प्रोग्राम लग रहा है। सिर्फ एग्जीबिशन का नहीं, और एग्जीबिशन के माध्यम से इन्होंने बहुत अच्छा सब कोई को, छोटे छोटे जो रोज़गार कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देके उनका बिजनेस भी इंक्रीज कराने का सोचा है। ये बहुत अच्छा सोचा है नीलम सिंह ने, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। सावन महोत्सव के अंतर्गत हाट मेले का, सावन मेले का आयोजन किया गया था, उसमें हम जनजाति जन कल्याण संस्था उगड़ा गुणवाना से हम लोग ने अपने आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट किया। आदिवासी लोक संस्कृति और परंपरा को हमने पूरा ड्रेसअप होके आया, और आज यहाँ पे हम लोग का पहला नंबर लगा है। शक्ति क्लब के अध्यक्ष नीलम सिंह ने अपनी पूरी टीम के साथ इस कार्यक्रम में पधारे सभी लोगों का सम्मान किया, और साथ ही साथ उन्होंने प्रशस्ति पत्र देकर ये वादा भी किया कि आने वाले समय में इस प्रकार के भव्य आयोजन वे करती रहेंगी।